सुस्वागतम दोस्तों, आज हम बात करेंगे OB39 अपडेट के बाद चेंज हुए कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में, जिसके अंदर है फोर्ड, दशा, सेंटिनो, आलोक, जाइन, अलवारो, ओथो एंड केंटा कैरेक्टर, जिसके अंदर पहला है फोर्ड कैरेक्टर। तो फोर्ड कैरेक्टर के अपडेट से पहले एबिलिटी थी कि जोन का डैमेज 24% कम पड़ता था, लेकिन अपडेट के बाद ये एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। अभी फोर्ड की न्यू एबिलिटी है कि हमें जैसे ही डैमेज पड़ेगा तो उसके बाद हर एक सेकंड में हमें 10 HP मिलेगी एंड 3 सेकंड तब तक HP मिलेगी, तो हमें टोटल 13 HP मिलेगी। यहाँ पर देखो, मुझे जैसे ही डैमेज पड़ा उसके बाद हर एक सेकंड में मुझे 10 HP मिल रही है एंड 3 सेकंड में मुझे टोटल 30 HP मिली। हमें जोन का, एनिमी का या फिर किसी भी चीज़ का डैमेज पड़ेगा तो उसके बाद ये एबिलिटी काम आएगी, लेकिन एक बार हमारी एबिलिटी यूज़ हुई तो उसके बाद 20 सेकंड का कूल डाउन लगेगा। तो उन 20 सेकंड में अगर हमें डैमेज पड़ेगा तो तब हमें कोई HP नहीं मिलेगी, लेकिन वो 20 सेकंड ख़त्म हो जाने के बाद हमारी एबिलिटी दोबारा से काम आ सकती है। तो फोर्ड की एबिलिटी काफ़ी अच्छी कर दी है। दूसरी है दशा कैरेक्टर की एबिलिटी। दशा कैरेक्टर की पुरानी एबिलिटी थी कि अगर हम किसी हाइट से जंप लगाते हैं तो फोर डैमेज कम पड़ता था। जंप लगाने के बाद हम तुरंत ही खड़े हो पाते थे एंड फायरिंग के टाइम हमारा रिकॉइल कम होता था, लेकिन अपडेट के बाद दशा की एबिलिटी पूरी तरह से बदल दी गई है। दशा की न्यू एबिलिटी है कि अगर हम किसी बंदे को डाउन या किल करेंगे तो उसके बाद 6 सेकंड तब तक हमारा रेट ऑफ फायर 18% एंड मूवमेंट स्पीड 12% बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखो, मैंने बंदे को जैसे ही डाउन किया तो उसके बाद 6 सेकंड तब तक मेरा रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड दोनों बढ़ गए हैं। अगर मैं इसी 6 सेकंड के अंदर किसी और बंदे को डाउन करता हूँ तो मेरी एबिलिटी फिर से 6 सेकंड तब तक रहेगी एंड मुझे 3% मूवमेंट स्पीड का एंड 4% रेट ऑफ फायर का एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। एक बंदे को डाउन करने के बाद 6 सेकंड तब तक 18% रेट ऑफ फायर एंड 12% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इसी 6 सेकंड के अंदर मैं दूसरे बंदे को डाउन करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा 4% रेट ऑफ फायर एंड 3% मूवमेंट स्पीड मिलेगी। अपडेट से पहले सेंटिनो की एबिलिटी थी कि अगर हम सेंटिनो की एबिलिटी यूज करते थे तो हमारा कैरेक्टर का डमी एक ही जगह पर खड़ा रहता था, लेकिन अपडेट के बाद ये एबिलिटी चेंज कर दी है तो हमारा जो डमी कैरेक्टर होता है वो आगे की ओर मूव करता रहेगा। यहाँ पर देखो, मैंने सेंटिनो की एबिलिटी यूज की तो मेरा डमी कैरेक्टर सामने की ओर जा रहा है एंड जैसे मैं एबिलिटी पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया। अगर सामने कोई कवर आएगा तो वहाँ पर हमारा डमी कैरेक्टर अटक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाकी तो सेंटिनो की एबिलिटी सेम ही है, यानी कि डमी कैरेक्टर की 200 KSP रहेगी, 12 सेकंड तब तक हमारी एबिलिटी रहेगी। OB39 अपडेट के बाद आलोक की एबिलिटी कम कर दी है। अपडेट से पहले आलोक की एबिलिटी यूज करने पर हमें पर सेकंड 5 HP मिलती थी एंड 10 सेकंड तब तक HP मिलती थी, तो टोटल हमें 50 HP मिलती थी, लेकिन अपडेट के बाद आलोक की एबिलिटी यूज करने पर सेकंड हमें 3 HP मिलेगी, तो 10 सेकंड में हमें टोटल 30 HP मिलेगी। तो अपडेट से पहले आलोक की वजह से हमें 50 HP मिलती थी, लेकिन अपडेट के बाद वो 30 HP ही मिलेगी। एबिलिटी यूज करने पर हमारी 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी। OB39 अपडेट से पहले जाइन कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने पर हमें टेम्पररी 80 HP मिलती थी एंड जैसे ही टाइम जाता था वैसे वो HP कम होती जाती थी। यहाँ पर देखो, एबिलिटी यूज करने पर मुझे HP तो मिली, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कम होती जाती थी एंड एबिलिटी यूज करने के बाद ग्लूवल या क्रोनो पे फायर करते थे तो वो जल्दी से टूट जाता था। अपडेट के बाद अगर हम जाइन की एबिलिटी यूज करेंगे तो हमें टेम्पररी 8 सेकेंड के लिए 50 HP मिलेगी, वो टाइम के साथ कम नहीं होगी, लेकिन अगर उस 8 सेकंड में हमें डैमेज पड़ेगा तो पहले उस HP में से कम होगा एंड 8 सेकंड के बाद वो टेम्पररी HP चली जाएगी। मतलब अपडेट से पहले हमें टेम्पररी 80 HP मिलती थी लेकिन वो टाइम के साथ कम होती जाती थी, लेकिन अपडेट के बाद हमें 50 HP मिलेगी लेकिन वो 8 सेकंड तब तक रहेगी, वो टाइम के साथ कम नहीं होगी। दूसरी एबिलिटी है कि अगर हम हीलिंग के साथ जाइन की एबिलिटी यूज करेंगे तो हमें 75% एक्स्ट्रा हीलिंग मिलेगी। यहाँ पर देखो, मैंने मेडिकेट यूज करने के साथ जाइन की एबिलिटी यूज की तो मुझे मेडिकेट की एक्स्ट्रा HP मिली। नॉर्मली हमें मेडिकेट यूज करने पर 75 के अराउंड HP मिलती है, वही अगर हम मेडिकेट के साथ जाइन की एबिलिटी यूज करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा 60 HP के अराउंड HP मिलेगी। इसी तरह जब हमें फोर्ड या लियोन जैसे कैरेक्टर की वजह से HP मिल रही होगी उस वक्त हम जाइन की एबिलिटी यूज करेंगे तो वहाँ पर भी हमें नॉर्मल के मुताबिक 75% एक्स्ट्रा HP मिलेगी। यहाँ पर देखो, मुझे लियोन की वजह से HP मिल रही थी, उस वक्त मैंने जाइन की एबिलिटी यूज की तो लियोन की HP मुझे ज्यादा मिल रही है। OB39 अपडेट के बाद अलवारों के एबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन अलवारों के एबिलिटी को एलाइट कर दिया, यानी कि एलाइट अलवारों आएगा जिसके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी होगी। नॉर्मली अलवारों की एबिलिटी है कि एक्सप्लोसिव डैमेज 20% ज्यादा पड़ेगा एंड उनकी रेंज भी 10% बढ़ जाएगी। एलाइट अलवारों की एबिलिटी है कि अगर हम ग्रेनेड थ्रो करेंगे तो उसके 3 एक्स्ट्रा ग्रेनेड जनरेट होंगे एंड उन तीनों ग्रेनेड का डैमेज जो हमारा मेन ग्रेनेड होगा उसका 30% पड़ेगा, यानी कि मेन ग्रेनेड से 100 का पड़ेगा
तो उसके जनरेट हुए ग्रेनेड से 30 का ही पड़ेगा। अपडेट से पहले ओथो की एबिलिटी थी कि अगर हम किसी बंदे को डाउन करते थे तो उसके आसपास 20 मीटर रेंज में जितने भी बंदे होते थे वो मिनी मैप के अंदर मार्क हो जाते थे। अपडेट के बाद वो मिनी मैप में तो दिखाएगा लेकिन उसके जो ओरिजिनल कैरेक्टर होते हैं उसके ऊपर मोको की तरह मार्क लग जाएगा एंड 4 सेकंड के लिए उसकी 25% मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर देखो, मैंने एक बंदे को डाउन किया तो उसके आसपास 20 मीटर रेंज में जो बंदा था वो मार्क हो गया एंड उसकी मूवमेंट स्पीड भी 4 सेकंड के लिए 25% कम हो गई। अपडेट से पहले जब हम केंटा केबिलिटी यूज करते थे तो शील्ड की वजह से एनिमी का डैमेज 50% कम पड़ता था लेकिन अपडेट के बाद वो 60% कम पड़ेगा। एंड अपडेट से पहले जब हम शील्ड यूज करके फायर करते थे तो एनिमी का डैमेज हमें 10% कम पड़ता था लेकिन अपडेट के बाद वो 20% कम पड़ेगा, यानी कि पहले के मुताबिक केंटा की एबिलिटी यूज करने पर हमें कम डैमेज पड़ेगा। इन सभी कैरेक्टर में से आपको कौन सी एबिलिटी बढ़िया लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।